दोस्तों अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 12 जुलाई से खेली जाएगी, जिसमें से रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम में प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। आखिर किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया, और साथ चेतेश्वर पुजारा की जगह पर किस खिलाड़ी को बैटिंग करने का मौका मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, यह टेस्ट सीरीज किसके नाम रहेगी, इंडिया या फिर वेस्ट इंडीज? नीचे कमेंट अपना राय बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम 12 जुलाई से वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो मैचों के टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी। यह मुकाबला डोमिनिका खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड पहले ही घोषित कर दिया गया था। बुधवार को प्रैक्टिस मैच में ही टीम इंडिया के खिलाड़ी ने भाग लिया था। अब सभी समीकरण या मौजूदा स्थिति को देखने के बाद पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में 9 खिलाड़ियों को जगह लगभग पक्की मानी जा रही है, तो वहीं दो पोजीशन के खिलाड़ी अभी भी पांच फंसता हुआ दिख रहा है। अगर शुरुआत की बात करें तो प्रैक्टिस मैच में बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए दिखे थे। वहीं सुमन गिल ने चेतेश्वर पुजारा के नंबर 3 पर बल्लेबाजी किया था। इस सीरीज के लिए पुजारा को ड्रॉप किया गया है, तो नंबर 3 पर आगामी सीरीज में नया चेहरा दिख सकता है, वो यशस्वी जायसवाल होंगे या सुमन गिल, ये तो टेस्ट मैच की शुरुआत ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोनों खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, यह तय माना जा सकता है। यानी आईपीएल में धमाल मचाने के बाद यशस्वी जायसवाल अब डेब्यू करने के लिए तैयार है। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी इस सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा, उप कप्तान अजिंक्य रहाणे और पूर्व कप्तान विराट कोहली के भरोसे टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम होगा। गिल और यशस्वी जायसवाल के अलावा इन तीनों खिलाड़ियों को भी खेलना तय है। वहीं रवि जडेजा और रोहित चंद्र अश्विन की जोड़ी इस फिर से नजर आएगी। अश्विन को ओवल में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह नहीं मिल पाई थी और इसके बाद खासा बवाल मचा था, यहाँ यह जोड़ी नजर आएगी। इसके अलावा तेज गेंदबाज में मोहम्मद सिराज एकमात्र अनुभवी खिलाड़ी है जिनका खेल लगभग तय है। वहीं जयदेव नाथको को भी इस मुकाबले में मौका मिलना तय है। अभी 9 खिलाड़ियों के फिलहाल यह तय हो गया कि अब बाकी दो स्थान पर विकेट कीपर व तेज गेंदबाज की पोजीशन पर किसे खेलता दिख सकता है। केशव भरत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद लगातार फ्लॉप रहे हैं, ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी उनका प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा। ऐसे में चर्चा ईशान किशन के नाम पर भी है जो टीम में दूसरे विकेट के तौर पर शामिल है। प्लेइंग 11 में भरत या किशन कौन खेलेगा, इससे अभी डिबेट जारी है। वहीं तेज गेंदबाज सिराज और बाएं हाथ के गेंदबाज जयदेव उनादकट का खेलना तय है। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी और डेब्यू का इंतजार करने वाले मुकेश कुमार स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इन तीन में से कोई एक जगह बना पाएगा, लेकिन देखना होगा किसे मौका मिलता है। वहीं दोस्तों भारतीय टीम का स्क्वाड पर एक नजर डालें तो रोहित शर्मा कप्तान होगा, यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे उप कप्तान है, ऋतुराज गायकवाड़, केशव भरत विकेट कीपर होगा, ईशान किशन वो भी विकेट कीपिंग करेंगे, रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जयदेव उनादकट और नवदीप सैनी होगा। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या ईशान किशन या फिर केशव भरत इसके लिए फिट होगा? नीचे कमेंट अपना राय बताइएगा। वीडियो अच्छा तो लाइक कर दीजिएगा और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।